आज मैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैं कंटेंट ढूंढते ढूंढते एक वेबसाइट पहुंचा और सोचा कुछ कॉपी कर लेता हूँ, इस कुछ लाइन इसमें से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप नहीं करने पड़े। लेकिन इस वेबसाइट पे तो कॉपी करना ही रोक रखा है और मुझे कॉपी करना ही नहीं दे रहा, और मैं इतनी सारी हिंदी टाइप नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ? ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आई होगी, मुझे लगता है कभी ना कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम आई होगी कि आपको कोई कंटेंट कॉपी करना हो और पूरी वेबसाइट लॉक्ड हो, आपको कॉपी ही करने नहीं दी जा रही हो, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो आइए देखते हैं कि कैसे कॉपी को इनेबल कर सकते हैं हम किसी भी वेबसाइट में। आप ये देख सकते हैं इस वेबसाइट में किसी भी तरीके से कॉपी करना बिल्कुल मना है, राइट क्लिक मैं कर ही नहीं सकता और कॉपी तो बिल्कुल ही मना है। लेकिन अब कैसे की जाए, करना तो है। तो पहले तो ये करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ आपको एक स्मार्ट वर्कर और स्मार्ट कंप्यूटर सेवी होने के नए नए टिप्स बताता रहता हूँ, तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए अब देखें कॉपी कैसे करेंगे। इसके लिए फायरफॉक्स ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, फायरफॉक्स में काफ़ी एडिशनल फीचर्स होते हैं, और उस पे आपको करना है ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक और उसके बाद करना है एडऑन्स पे क्लिक। जब आप एडऑन्स पे जाएंगे तो एडऑन्स के सर्च बॉक्स में डालेंगे एब्सोल्यूट एनेबल राइट क्लिक एंड कॉपी। तो चूंकि मैंने तो ये ऑलरेडी एडऑन इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे पास ये यहाँ पे शो कर रहा है, इसी तरह से आपको भी यह शो करने लगेगा कि आपने जब अपना एड ऑन इस पे ऐड कर लिया है फायरफॉक्स पे। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। अब मैं इस वेबसाइट पे गया, अब इस पे कॉपी करना तो बिल्कुल ही रुका हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं अपने राइट क्लिक एब्सोल्यूट एनेबल राइट क्लिक वाले आइकन पे, जो कि फायरफॉक्स में एड ऑन ऐड करने के बाद यहाँ पे दिखाई देने लगता है, इसमें मैं इनेबल कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब इनेबल कॉपी पे क्लिक करने के बाद क्या होता है ये देखिए, ये हो गया जादू। अब आप कॉपी कर सकते हैं और राइट क्लिक भी कर सकते हैं, अब आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आपका काम कितना आसान हो गया, सिर्फ अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ये कॉपी करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा बहुत जितने भी एडिट करने हैं वो कर सकते हैं, या किसी भी पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये कॉपी करने से आपको फिर भी रोकता है तो आप इसका एब्सोल्यूट मोड भी ऑन कर दें, तो ये 100% आप कॉपी कर पाएंगे। अब आप देखिए इस वेबसाइट को, मैं किसी भी पेज को आराम से कॉपी कर सकता हूँ, उसके व्यू सोर्स को भी देख सकता हूँ। कई बार अगर आप एक टेक्निकल सेवी हो तो हमें व्यू सोर्स देखने की ज़रूरत पड़ती है पेज का, कंट्रोल और यू करके, कंट्रोल प्लस यू करके, तो हम इसका व्यू सोर्स भी कर लेते हैं। देखिए मैं अब कंट्रोल प्लस यू अगर करूँ इसका, तो मैं व्यू सोर्स भी देख सकता हूँ, ये देखिए इसका व्यू सोर्स देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वापस इसको बंद कर दूँ और ये कंट्रोल यू मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी व्यू सोर्स इसका डिसेबल नहीं था इसलिए दिख जा रहा है, लेकिन अब मैं वापस इसको रिफ्रेश करूं तो फिर से अब कॉपी बंद हो गया और कंट्रोल यू भी अब बंद हो गया। अगर कंट्रोल यू मैं बैक एंड में प्रेस कर रहा हूं तो देखिए यहां पे अलर्ट आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी द कंटेंट और व्यू सोर्स, ये देखिए। लेकिन अगर फिर से मैं इसको एनेबल कर दूं तो अब मैं कंट्रोल यू करूं तो बड़े आसानी से मैं इसके व्यू सोर्स को भी देख सकता हूं। तो ये है तरीका कॉपी को एनेबल करने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना आपने, अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आने वाला हूं, तैयार रहिए। सी यू।